दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे बात करते हैं टॉपिक की, तो टॉपिक है कि शेयर चैट ऐप पर फॉलोवर्स किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप शेयर चैट यूज़ करते हो और अगर आपको यूज़ करते हुए टाइम हो गया है 2 मंथ का, तो ही ये काम आने वाली है आपकी वीडियोज़, क्योंकि उस पर कम से कम एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए 2 मंथ्स की, यानी 60 डेज उसमें मांगते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद बात कर लेते हैं जो लोग अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं अभी शेयर चैट ऐप पर, उनको भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो टॉपिक से थोड़ा अलग हटकर अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे आई बटन पर जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां बात करते हैं कि आप फॉलोवर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल से रिलेटेड आपको सारी वीडियोज आपको मैं दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां पर यह बात करने वाली है कि शेयर चैट ऐप पर जिस तरह से आप अपना कंटेंट डालते हैं, सबसे पहले तो वो देखिए, फिर उसमें आप टैग्स किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे टैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 5 टैग आप डाल सकते हैं और 5 आप उसमें ऐट द रेट कर सकते हैं, यानी कि 5 आप उस किसी फ्रेंड्स को अपना रेफ़र भी कर सकते हैं टैग में, और अलग से कुछ टैग्स भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे मॉनिटरी वाली चीज़ ये है कि आपको टैग आप जितने भी लगाओ, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अब ओरिजिनल कंटेंट की यहाँ बात करी जाए तो फॉलोअर्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ओरिजिनल कंटेंट किस तरह बनाना है, जैसे मान लो आपके पास कोई डेस्कटॉप है, या फिर आपके पास कोई लैपटॉप है, या इवन कुछ भी नहीं है, एक सेकंड दूसरा फ़ोन है, तो करना क्या है, जो पोस्ट आप खुद से बना रहे हो वो पोस्ट अगर रीच नहीं कर पाता है, वो पोस्ट लाइक नहीं ले पाता है, उस पोस्ट पर कमेंट नहीं आते हैं, या फिर उस पोस्ट को बिल्कुल व्यूज़ नहीं मिल पाते, तो करना क्या है, सेम पोस्ट आपको जैसे दूसरे फ़ोन में है वो फ़ोन ओके करा, उसको वो इमेज खोल दिया आपने, जैसे कि मान लो आपने एक इमेज क्रिएट करी, क्रिएट करने के बाद उस इमेज को आपने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद जिस शेयर चैट हैंडल आप कर रहे हो, जिस फ़ोन से आप शेयर चैट को हैंडल कर रहे हो, उसमें जाके आप क्रिएट करिए, क्रिएट करके कैमरे का जहाँ ऑप्शन आता है वहाँ कैमरे से क्रिएट करके आप पिक्चर क्लिक करिए उस फ़ोन में जिसमें आपने वो पोस्ट रखा हुआ है, जिस पोस्ट को वहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर पिक्चर क्लिक करके आप डाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है ओरिजिनल कंटेंट, यानी कि आपने शेयर चैट के कैमरे से लिया। तो शेयर चैट के कैमरे से जब आप लेते हो कोई भी वीडियो या ऑडियो या फिर इमेज, तो उसमें आपको जो रैंकिंग होती है वो 5%, यानी कि 5 गुना आपको ज़्यादा बढ़ के मिलती है। यानी कि मान लो अगर आपको रैंकिंग के हिसाब से 100 व्यूज़ अगर आपको मिलते हैं, और 100 व्यूज़ की अगर मैं बात करूं आपके ओरिजिनल अगर शेयर चैट कैमरे से बनाओगे, तो वही व्यूज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपके 500 से 600 700, हो सकता है 1000 भी पहुंच जाए वहां पे। तो इस तरह से शेयर चैट काम करता है, और जब व्यूज़ अच्छे पहुँचेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये नहीं करना कि बहुत सारे वीडियोस में ऐसा भी बताया है लोगों ने कि शेयर चैट ऐप पर जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उन पर जाके उनको फॉलो अनफॉलो करो, ये ट्रिक कभी मत आजमाना यार, इससे कुछ नहीं होता। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ मैंने खुद करके देखा है, उसकी वजह से ब्लॉक भी हो चुका है मेरा अकाउंट। तो ऐसा ना हो कि आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो जाए और आप अर्निंग कभी कर ही नहीं पाओ शेयर चैट से। शेयर चैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अर्निंग तो अच्छी से अच्छी कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने फैंस फॉलोइंग भी अच्छी खासी बढ़ा सकते हो वहाँ से। एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है शेयर चैट ऐप। तो दोस्तों वीडियो आज की बस इतनी ही, कैसी आपको वीडियो लगी बस हमें कमेंट करके बता दो, और अगर इसके बाद और भी आप कुछ जानना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट कर देना। बस आज के लिए इतने दोस्तों, बाय।